हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य स्वर चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम और मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमने मशरूम लिए हैं और ये मटर। मशरूम को हमने इधर काट लिया है, ये बड़े बड़े स्लाइस में। इनको काट सब मशरूम काट लिए हमने। अब इनको हल्के गुनगुने पानी से उसको हम धो लेते हैं। हल्के हाथों से मल के इसको धो देंगे, इसमें अच्छे से साफ हो जाए। इसको दो तीन बार हमने गुनगुने पानी से धुल लिया है फ्रेंड्स। और ये हमने मसाले के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर, मिर्चा, लहसुन, अदरक और प्याज लिया है। मशरूम को काट के धुल के अच्छे साफ कर लिया, मटर को भी साफ कर लिया है। अभी मिक्सर जार में प्याज लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। इधर ये पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। टमाटर, टमाटर, मिर्चा और अदरक का पेस्ट यहाँ बना के तैयार कर लेंगे। इसका पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इधर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें तड़का के लिए हींग और जीरा डाल देते हैं। हींग जीरा हमारा हो गया अच्छे से, और इसमें प्याज और लहसुन को डाल देते हैं। और इसको भी हम भून लेंगे, प्याज लहसुन को भी। और इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, डाल के चला देंगे। पिसा धनिया पाउडर, पिसा लाल मिर्च स्वाद अनुसार, और इसमें टमाटर, मिर्चा, अदरक का पेस्ट तैयार किया वो डाल देंगे। डाल के अच्छे से चला लेंगे इसको, और सब मिक्स करके मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भून रहा है, मसाला हमारा हो गया। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अभी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हम दही ऐड कर देंगे, इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मटर पहले डाल देते हैं, क्योंकि मटर हमारी थोड़ा देर से पकती है, इसलिए पहले मटर डाल के चलाकर अच्छे से इसको हम ढक देंगे। ये मटर को हमने ढक दिया थोड़ी देर के लिए। अब इधर मटर हम खोल के देखते हैं, मशरूम को डाल देते हैं। इसको भी डाल के हम चला देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे।
थोड़ी देर के इसको भून लेंगे हम। अब इसमें हम पानी लगा देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम ढक दिया। अब इधर हमने खोल के इसको देखा है। अभी सब्जी हमारी नहीं पकी है, ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी पकी नहीं है हमारी। इसे फिर एक बार हम ढक देते हैं। ये देखिए दोबारा हमने खोल के देखा है, सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मशरूम मटर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसमें हरा धनिया डाल के हम सर्व करते हैं। सब्जी हमारी बहुत बढ़िया बनके तैयार हुई है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।